हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसके मामले 20% की रफ्तार से हमारे देश में बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि 2025 तक हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के 16 लाख मामले होंगे और ज़्यादातर मामले 30 से 40 साल की महिलाओं में देखने को मिलते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक झा, सीनियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल हेड ब्रेस्ट सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया गुंजन जी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के मामले गाँव की जगह बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? ये बहुत सही बोला है आपने, और शहरों में सिर्फ केसेस ही नहीं बढ़ रहे हैं, जिस उम्र पे हम लोग कैंसर देखते हैं वो भी काफी कम होता जा रहा है। एग्जैक्ट रीजन हम लोग खोजने में लगे हुए हैं, बट शायद गांव के अंदर जो लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, शहरों में हमारी जो लाइफ में स्ट्रेस है, अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और प्लस थोड़ा सा ओबेसिटी जो शहरों में ज्यादा होती है, शायद ये सब एक कारण है जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्यों शहरों में ब्रेस्ट कैंसर काफी ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू गांव के मुकाबले। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे वजह क्या होती है? क्या हम वजहों को अवॉइड करके हम इसके खतरे से बच सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम बोले कि क्या हम इससे टोटली बच सकते हैं, नहीं। अगर ब्रेस्ट कैंसर होना है तो वो होगा। हाँ, हम अपने जीवन में कुछ चीजें जरूर कम कर सकते हैं जो शायद कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए नहीं। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है एक्सरसाइज या फिर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी। ये देखा गया है कि जो महिलाएं एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करती हैं, उनमें डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। और जो कारण है, जैसे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों को दूध पिलाना कम हो गया है, ये भी एक कारण है। आजकल जो पहले बच्चे की उम्र है वो लेट होती है, तो वो भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होने का। लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अगर हम अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, हर चीज़ एक बैलेंस में लें, हमारी डाइट में हम तेल और घी और फ्राइड खाने का अगर हम इस्तेमाल कम करें, तो डेफिनेटली हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम कर सकते हैं। डॉक्टर, पर ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं, जैसा कि हम कहते हैं जंक फूड्स या हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, यही सब खाना पीना, आप जैसे कह रहे हैं आप तेल घी अवॉइड करिए, पर ये तो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हाँ, ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और इसीलिए हम इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं किया तो धीरे धीरे कैंसर, हार्ट डिजीजेस तभी हमारे में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं सबसे ज़्यादा 30 से 50 साल की उम्र में पेशेंट्स देख रहा हूँ, कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। और अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने नहीं किया और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते चले गए, तो कैंसर और भी अलग हार्ट डिसीजेज, ब्लड प्रेशर, इनफ्रीक्वेंट मतलब कम उम्र में हार्ट अटैक्स, ये सब हम और भी ज़्यादा देखेंगे। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को, जंक फूड्स को, स्मोकिंग, अल्कोहल को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब करेंगे तभी हम एडवांस्ड हैं। बट वो कौन कौन से लक्षण या कहें सिम्टम्स हैं जिन पर किसी महिला को ध्यान देने की ज़रूरत है? सो ब्रेस्ट कैंसर में कोई अलग से सिम्टम नहीं होते, इसीलिए ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव बहुत ज़रूरी है कि उसे अनदेखा नहीं किया जाए और उसके बारे में एक एक्सपर्ट से उसका ओपिनियन लिया जाए। सबसे मेन सिम्टम जो होता है वो है ब्रेस्ट पे गांठ, कोई भी गांठ जो पहले नहीं थी या फिर कोई ऐसी गांठ जो पहले छोटी थी और अब जल्दी जल्दी से बढ़ना शुरू हो रही है, बगल के अंदर कोई गांठ बन गई है, ब्रेस्ट के अंदर निप्पल में कोई चेंज आना या निप्पल का अचानक से अंदर खिंच जाना, निपल में से खून का या फिर गहरे हरे रंग का, और जो ऊपर स्किन होती है स्किन के अंदर उसमें कुछ स्किन का मोटा होना,
या फिर उसमें कोई छाला बन जाना, या फिर एक नारंगी के छिलके जैसी उसमें अपीयरेंस आए, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि कैंसर हो, बट जरूरी नहीं है कि अगर ये ऐसा कुछ भी है तो कैंसर हो ही गया। लेकिन अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आए तो बड़ा जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लें कि क्या ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर, सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है? माना जाता है कि कोई महिला सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी इसका पता लगा सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें विस्तार में? बिल्कुल, सेल्फ एग्जामिनेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। हम लोग काफी स्ट्रेस देते हैं एनुअल मैमोग्राफी पे, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने साल में एक बार मैमोग्राफी कराना जरूरी है ताकि हमें समझ में आ जाए अंदर कोई गांठ तो नहीं बन रही है। लेकिन एट द सेम टाइम बाकी जो हमारे 11 महीने हैं या बाकी जो 364 दिन हैं उसमें हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम कैंसर को पकड़ सकें, तो उसमें सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी इंटरवेंशन जो कोई भी महिला अपने आप घर पे कर सकती है। इसका आइडियल टाइम पीरियड से 7 या 10 दिन के बाद होता है और उसमें एक बार लेट के या फिर एक बार खड़े होके अपने उंगलियों से दोनों साइड की ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से फील करना होता है कि कहीं कोई गांठ या कोई अलग चीज तो नहीं महसूस हो रही। जैसे जैसे आप रेगुलरली इस हैबिट को अपने आप में डालेंगे कुछ गांठें आप महसूस कर पाएंगे और उन गांठों के लिए आप हमेशा एक एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं कि क्या उन गांठों में कुछ कैंसर जैसे लक्षण हैं या नहीं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के पीछे मेन पॉइंट यही है कि आप क्या कोई भी महिला जो रेगुलरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रही है वो ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो उसको बहुत ही जल्दी पकड़ पाए, और जल्दी पकड़ने का मतलब है कि उसके क्योर रेट्स बहुत अच्छे रहेंगे, हमारा ट्रीटमेंट भी छोटा हो सकता है और ब्रेस्ट भी पूरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं? जैसे हम जानते हैं कि हर कैंसर की स्टेजेस होती हैं, और कौन सी स्टेज तक ये कैंसर ट्रीट किया जा सकता है और किस स्टेज पर हमें सर्जरी की जरूरत होती है? ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि मेजोरिटी कैंसर होते हैं उनकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर यानी कि शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं, जहां पे सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर छोटी गांठ बनी होती है या फिर ज्यादा से ज्यादा बगल के अंदर कोई एक छोटी गांठ आई होती है। स्टेज 3 को हम लोकली एडवांस यानी कि थोड़ी सी बड़ी हुई बीमारी मानते हैं, जहां पे ब्रेस्ट में काफी बड़ी गांठ बन गई हो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा या फिर बगल के अंदर काफी गांठें आ गई हो। और जो 4 स्टेज होती है उसमें कैंसर ऑलरेडी ब्रेस्ट से निकल के शरीर की बाकी हिस्सों में स्प्रेड कर गया होता है। स्टेज 1, 2 और 3 इन तीनों में हम ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर सकते हैं। स्टेज 1 और 2 में 90% से भी ज्यादा चांस है कि कैंसर ठीक हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। स्टेज 4 के अंदर जब कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड कर गया होता है तब हमारी कोशिश होती है कि दवाइयों के द्वारा उसको रोका जाए या उसकी स्पीड को धीमा कर दिया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे पेशेंट्स को दे सकें। जहां तक सर्जरी की बात है, स्टेज 1, 2 और 3 इन तीनों में सर्जरी पार्ट है, एक हिस्सा है उस पूरे ट्रीटमेंट का, जिसमें कीमोथेरेपी भी आती है, रेडिएशन भी आती है। कौन से मरीज में किस स्टेज पे और कितनी साइज पे हमने बीमारी को पकड़ा है और उसका नेचर कैसा है, उसका अग्रेसिवनेस कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि सर्जरी पहले आती है या बाद में आती है। लेकिन हाँ, सर्जरी एक बहुत अहम हिस्सा है इस डिसीज को पूरी तरीके से ठीक करने की। जैसा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इसके लिए मुख्य वजह है, तो डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? और सर्वे तो ये कह रहा है कि 50% इंडियन वुमेन 3rd और 4th स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है, और उससे भी ज्यादा सीरियस कंसर्न ये है कि जो हमारा डेटा बताता है वो ये है कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये अगले 5 से 10 साल तक ऐसे ही चलने वाला है। मतलब जितना इंक्रीज हम देख रहे हैं ये ऐसे ही इंक्रीज और भी होता रहेगा। अभी के टाइम पे हर 4 कैंसर में से एक कैंसर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का होता है। ऑफिशियली फिगर्स जो हैं वो है कि हम हर साल तकरीबन 1,70,000 पेशेंट्स, नए पेशेंट्स देख रहे हैं, और शायद जो एक्चुअल नंबर है वो इससे भी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि एक रजिस्ट्री के अंदर जब तक ये नंबर्स नहीं आते, हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक आइडिया नहीं मिलता है कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। शायद हम लोग जो वेस्टर्न संस्कृति है, जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, जैसे आपने बोला कि ये जो सारी हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गई है, ये डेफिनेटली एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। जिस तरीके से वेट गेन हुआ है, जिस तरीके से शहरों में हम लोग आजकल ओबेसिटी ज़्यादा देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्मोकिंग और अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा हमारी सोशल लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जी रहा है। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि स्टेज 1, 2 और 3 तो ट्रीटेबल है और हमें फोर्थ के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है और इसमें अमूमन कितना खर्चा आ जाता है डॉक्टर? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट एक सिंगल फॉर्मूले के तहत अब नहीं किया जाता। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम पेशेंट के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। एक हिस्सा होता है इसका कीमोथेरेपी, जहां पे ग्लूकोज के साथ मिक्स करके या सलाइन के साथ मिक्स करके दवाइयां दी जाती हैं। एक हिस्सा इसकी सर्जरी होती है और एक हिस्सा रेडिएशन यानी कि बिजली की सिकाई होती है। इसके साथ ही कुछ हार्मोन थेरेपी की टैबलेट्स होती हैं जो हम इसको देते हैं। किस पेशेंट्स के अंदर कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, ये सारा पेशेंट के जो ट्यूमर क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हम पहले दवाई दे के बीमारी को छोटा करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। कुछ केसेस के अंदर हम सर्जरी में पहले की तरफ जाते हैं। काफी सारे एडवांसेस हो गए हैं सर्जरी में भी, कीमोथेरेपी में भी, रेडिएशन में भी। साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। सर्जरी के पेशेंट्स आराम से नेक्स्ट डे ही वापस घर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कीमोथेरेपी के भी जितने पुराने साइड इफेक्ट्स होते थे अब बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी लेडीज जो हमारी जॉब कर रही होती हैं, उनको कीमो के लिए जॉब के लिए भी छोड़ना नहीं पड़ता है। दे कैन कंटिन्यू अपना काम अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी। जैसे जहां कि तक आपने खर्चे की बात कहा है, कि लाइफस्टाइल यस बहुत बड़ी वजह है, तो किस तरह से हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके इसके खतरे से बच सकते हैं? देखिए गुंजन जी, कुछ तो सजेशंस आपने ऑलरेडी दे ही दिए हैं कि जो जंक फूड है, फ्राइड फूड है, अल्कोहल और स्मोकिंग, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी ही है अगर हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कम से कम 2.5 घंटे की एक्सरसाइज पूरे हफ्ते में, मतलब 150 मिनट, जो कि रफली हार्डली 30 मिनट के आसपास की एक्सरसाइज आती है। तो ये करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि जितना हम ओवरवेट होते हैं उतने ही वहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं या हार्मोन्स निकलते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट। डॉक्टर, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने बोला कि 30 से 50 साल की औरतों को ज़्यादा खतरा रहता है ब्रेस्ट कैंसर से, तो हमें इस एज में क्या करना चाहिए बेसिकली इसके खतरे को कम करने के लिए? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग 30 से 50 साल की उम्र में सबसे ज्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं। 50% पेशेंट्स की एज 50 साल से कम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उसके लिए है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सारी लेडीज को सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत डालनी चाहिए महीने में एक बार एटलीस्ट। उससे कोई भी गांठ होगी तो वो अनदेखी होके नहीं जाएगी, हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ पाएंगे। प्रॉब्लम अभी यही है कि शायद हम लोग आपस में इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार वो गांठ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और जब तक हमारे पास आती है वो कई बार स्टेज 3 में यानी कि एडवांस डिसीज या फिर स्टेज 4 में हमारे पास प्रेजेंट करती है, जहां पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो अगर हम गांठों को या फिर कैंसर को जल्दी पकड़ लें तो इस बीमारी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका बहुत ही कारगर इलाज हमारे पास है जो कैंसर को भी ठीक करेगा और आपकी लाइफस्टाइल में भी कोई फर्क नहीं आने देगा। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की बात की, पर क्या डायग्नोस किस टेस्ट के थ्रू ये डायग्नोस किया जाता है? आई थिंक मैमोग्राफी के थ्रू ये डायग्नोस किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। जी, मैमोग्राफी हम लोग स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। साल में एक बार मैमोग्राफी होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी छोटी गांठ जो अंदर बन रही होगी, हम उसको इससे पहले कि वो बड़ी गांठ बने हम वहीं पकड़ लेंगे। तो मैमोग्राफी या फिर एक अल्ट्रासाउंड सबसे पहला एक टेस्ट होता है जिससे हमें गांठ के अंदेशा पता लगता है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम लोग
एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है बायोप्सी। बायोप्सी से लोग काफी डरते हैं, उनको लगता है बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाएगा या सुई लगते ही कैंसर अचानक से बहुत तेजी से फैलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, अब बायोप्सी कट से नहीं होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सुई ही होती है जो बायोप्सी का काम हमारा कर देती है। तो डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी यानी कि एक नीडल टेस्ट होता है जिससे हम 100% कंफर्म करते हैं कि ये जो गांठ है वो कैंसर की है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर पर इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गुंजन जी, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी मुझे ताकि मैं आपके दर्शकों द्वारा इस बीमारी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना कम डर रहेगा, उतना हम लोग इस कैंसर की बीमारी को लड़के जीत पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन करके इस बीमारी का पता लगा सकते हैं और हम सभी को ईयरली चेकअप भी करवाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, पर आपके दिमाग में प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सहेली ऐप। ये एक प्रेगनेंसी केयर ऐप है जिसमें आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV9 डिजिटल।